हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपनी रसोई। आज हम बनाएंगे पॉपी सीड्स का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। और इस हलवा को व्रत और उपवास में भी खाते हैं। वैसे तो आप कभी भी इस हलवा को खा सकते हैं, किसी भी खास ओकेजन पे इसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस टेस्टी से हलवा को कैसे बनाई जाती है। तो 200 ग्राम मैंने यहाँ पे पॉपी सीड्स लिया है, जिसे बहुत जगहों पे खसखस बोला जाता है, बहुत जगहों पे पोस्ता दाना बोला जाता है। तो इसके सीड्स बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही महीन होते हैं। तो अब हम इन्हें फूलने के लिए डाल देंगे। तो कम से कम 2 घंटे तक हम इन्हें फूलने के लिए डालेंगे। तो एक बर्तन में डाल के मैंने पानी डाल दिया और इसे ढक के छोड़ देते हैं। जब ये अच्छे से फूल जाएगा तब हम इसे मिक्सी में पीस के तब हलवा बनाएंगे। ये देखिए, अच्छे से फूल गया है, 2 घंटे हो गए हैं और मैंने इसे एक दो बार अच्छे पानी से धो भी लिया है, ताकि अगर उसमें मिट्टी वगैरह हो तो वो निकल जाए। वैसे ये बिल्कुल ही साफ़ था। तो इसे धोने के लिए आप किसी बहुत ही बारीक वाली छन्नी यूज करिए, वरना धोने टाइम ये सारे पॉपी सीड्स गिर जाएंगे। तो इस तरह के अगर आपके पास छन्नी हो तो उसी में डाल के तब इसे धोइए, उससे नहीं गिरेंगे। अगर आप ऐसे ही धोएंगे तो सारे पानी के साथ बह जाएंगे। तो अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्सी में पीस लेंगे। बिल्कुल ही बारीक सा हमें इसका पेस्ट बनाना है, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट। तो एक कढ़ाई में अब हम घी डालेंगे। तो इस हलवे में घी थोड़ा ज़्यादा डलता है, तो अभी मैं इस चम्मच से 3 चम्मच घी डाल रही हूँ। बाकी घी मैं बाद में भी इसमें डालूँगी। घी के गर्म होते ही ये पॉपी सीड्स का पेस्ट डाल देंगे। तो इस हलवा को बनाने में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है पेशेंस की, क्योंकि बहुत ही पेशेंस के साथ इस हलवा को अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। क्योंकि इसे बनाने में कम से कम आपको आधा घंटा टाइम लग जाएगा और ये हलवा जो है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, कढ़ाई में चिपकने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप चढ़ा के थोड़ा इधर उधर भी चले जाएँ, क्योंकि आपको बिल्कुल भी गैस के पास से हटना नहीं है। ये तुरंत में कढ़ाई में चिपकने लगता है। तो बिल्कुल लगातार चलाते हुए हमें इस हलवा को बनाना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है इस हलवा को बनाने में, तभी यह हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। सच में पॉपी सीड्स का हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है अगर आप उसे अच्छे से बनाएं, बहुत अच्छे से भुनें। जितने अच्छे से आप इसे भुनेंगे ना, ये हलवा उतना ही टेस्टी बनता है। बिल्कुल ब्राउन होने तक हमें इन्हें भुनना है। अगर आपको बीच बीच में लगे कि ये स्टिकी हो रहा है, बहुत ही ड्राई है, तो आप 1-2 चम्मच उसमें घी डालते रहें। वैसे भी ये हलवा जो है बहुत ही रिच होता है, इसमें बहुत सारा घी लगता है, ड्राई फ्रूट्स लगता है, तब ये हलवा बनता है। तो एक आप चाहें तो एक बार शुरुआत में ही बहुत सारा घी डाल दें, या फिर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी उसमें डालें। तो बहुत सारा हलवा होता है जिसे हम व्रत उपवास में खाते हैं, जैसे कि शकरकंद का हलवा, लौकी का हलवा, या फिर ये देखिए थोड़ा 2 चम्मच घी मैंने अभी यहाँ पे डाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने बहुत सारे हलवा की रेसिपी शेयर की है, खीर की रेसिपी शेयर की है, जो कि व्रत उपवास में खाते हैं। तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसे हम चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे तब तक कि जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। तो अभी सावन का महीना चल रहा है, बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, तो आप हलवा को ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, ये ब्राउन हो गया है, लेकिन थोड़ा सा भी इसे और भुनेंगे। बिल्कुल इस तरह का कलर हो जाना चाहिए, इस तरह का ब्राउन हो जाना चाहिए, तब समझिए कि ये अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें दूध और चीनी डाल देंगे, क्योंकि अच्छे से भुन गया है। तो इसमें डालने के लिए मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम वाला। इससे हलवा में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल मलाईदार ये हलवा बनेगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा खोया भी डाल सकते हैं, पर खोया डालने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छी गाढ़ी वाली दूध ले रहे हैं तो वो फिर सूखते सूखते खोया जैसा ही हो जाता है। तो एक छोटी कटोरी मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, जो कि लगभग 5 चम्मच है। आप अपने स्वाद अनुसार चीनी डालिए, कुछ लोगों को हल्का मीठा पसंद होता है, किन्हीं को ज़्यादा पसंद होता है। वैसे इतना चीनी परफेक्ट था। इसमें 5-6 छोटे इलायची को कूट के मैंने इसमें डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब अपनी पसंद के इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। तो मैं इसमें काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता डाल रही हूँ। तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उसमें डाल दीजिए। तो ये हलवा काफ़ी रिच होता है, इसमें काफ़ी सारा ड्राई फ्रूट्स डलता है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए।
तो अब इसे लो फ्लेम पे हम और पकाएंगे जब तक ये पूरा दूध जो है अच्छे से सूख ना जाए। बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। तो ये देखिए 8 से 10 मिनट हो गए और ये दूध जो है बिल्कुल सूख गया है। बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल क्रीमी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा इसमें मावा डाला है, पर मावा मैंने नहीं डाला है। वैसे आप चाहें तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो ये हलवा बिल्कुल तैयार है। अब इसे ज़्यादा नहीं सुखाना है क्योंकि ठंडा होने पे थोड़ा सा ड्राई खुद भी हो जाता है। तो हम गैस बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। तो ये देखिए मैंने इसे कटोरी में निकाल लिया। ठंडा करके खाएं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये पॉपी सीड्स का हलवा की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और एक बार इस हलवा को ज़रूर ट्राई करें। आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।